नमस्कार, न्यूज नेशन देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं मनोज चहल। एक और मजेदार मुकाबला आने वाला है और एक डिफेंडिंग चैंपियन इंग्लैंड की टीम के लिए करो या मरो वाला मुकाबला है। और जो 14 जून, वैसे तो इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो रात 12:30 बजे ये मुकाबला खेला जाएगा। उस स्टेडियम का नाम है एंटीगुआ और सर विवियन रिचर्ड्स स्टेडियम में मुकाबला होगा दोनों टीमों के बीच। लेकिन कहीं ना कहीं जो ओमान की टीम है उसके लिए खोने के लिए कुछ नहीं है, लेकिन इंग्लैंड की टीम के लिए अगर ये मैच हारे तो फिर सब हारे, क्योंकि आज का मुकाबला उनको जीतना हर हाल में बेहद जरूरी है, क्योंकि आज एक हार उनको टूर्नामेंट से बाहर कर सकती है। लेकिन इंग्लैंड की टीम की कैप्टन है जॉश बटलर। अब बटलर का जो पहला मैच हुआ था इंग्लैंड की टीम का, वो बारिश में वॉश आउट हो गया था, 1 पॉइंट उनको मिला था। अब ऐसे में अगर ये टीम ओमान को हरा देती है तो फिर उनको अगला मैच भी हराना होगा, क्योंकि ग्रुप बी में ऑस्ट्रेलिया ऑलरेडी क्वालिफाई कर चुकी है। तो आज का मुकाबला इनको हर हाल में जीतना होगा। तो ऐसे में इंग्लैंड की टीम किस कॉम्बिनेशन के साथ जा सकती है वो भी आपको बताएंगे, और साथ ही साथ ओमान किस कॉम्बिनेशन के साथ जाएगी वो भी आपको बताएंगे। दोनों टीमों का पॉसिबल प्लेइंग 11 क्या रहने वाला है, और दोनों टीमों में भाई जो पिच रिपोर्ट है सर विवियन रिचर्ड्स स्टेडियम की वो क्या कहती है उस पर भी नजर डालेंगे, और वेदर कहीं बारिश अरमानों पर पानी ना फेर दे इंग्लैंड के, उस पर भी नजर डालेंगे। लेकिन इंग्लैंड किस कॉम्बिनेशन के साथ जाएगा, क्योंकि इंग्लैंड के पास मैच विनर ही मैच विनर है। लेकिन इंग्लैंड को जो पहला मैच था वो वॉश आउट हो गया था, अब इस मैच में अपनी वो फुल स्ट्रेंथ के साथ उतरना चाहेगा। तो इंग्लैंड का कुछ इस प्रकार हो सकता है पॉसिबल प्लेइंग 11। इंग्लैंड की संभावित प्लेइंग 11 पर नजर डालें तो जॉस बटलर, फिल शॉल्ट, विल जैक्स, जॉनी बेस्टो, हैरी ब्रुक, मॉइन अली, लियाम लिविंगस्टोन, क्रिस जॉर्डन, जोफ्रा आर्चर, आदिल रशीद, मार्क वुड, ये इंग्लैंड की पॉसिबल प्लेइंग 11 है। लेकिन यहां पर इंग्लैंड के अगर पॉसिबल प्लेइंग 11 पर नजर डालें तो आज जो आदिल रशीद हैं ये टी20 वर्ल्ड कप के खेले 2 मुकाबलों में 11 की इकोनॉमी से गेंदबाजी की है और 1 विकेट उन्होंने हासिल किया था। लेकिन हाल ही में अगर देखा जाए तो मार्क वुड से बड़ी उम्मीदें होंगी, क्योंकि मार्क वुड बड़ा जबरदस्त गेंदबाजी करते हैं और 47 विकेट वो ले चुके हैं। और कहीं ना कहीं मार्क वुड हो या फिर इनफैक्ट क्रिस जॉर्डन हो, तेज गेंदबाजी में इन पर जिम्मेदार रहने वाली है। लेकिन बैटिंग इनकी सुपर हिट है, बैटिंग में बड़े नाम है, जॉस बटलर होंगे, लियाम लिविंगस्टोन से बड़ी उम्मीदें होंगी क्योंकि वो भी अटैकिंग बैट्समैन है, अच्छा खेलते हैं, मिडिल ऑर्डर को स्टेबिलिटी देते हैं। तो ऐसे में इंग्लैंड हॉट फेवरेट रहने वाली है। लेकिन ओमान को भी आप कम नहीं आंक सकते, क्योंकि ओमान की जो गेंदबाजी है वो उनकी अच्छी स्ट्रेंथ है, जहां पर बिलाल खान होंगे और बिलाल खान से बड़ी उम्मीदें लगाई जाती है कि इस मैच में विकेट चटकाएंगे। लेकिन ओमान भी अच्छे कॉम्बिनेशन के साथ उतरेगा, वो भी अपनी प्लेइंग 11 को तंदुरुस्त रखेगा। उनकी जो प्लेइंग 11 है वो कुछ इस प्रकार हो सकती है। ओमान की संभावित प्लेइंग 11 पर नजर डालें तो नसीम खुशी होंगे, प्रतीक आठवले होंगे, अकीब इलियास जो कैप्टन टीम के, जिशान मकसूद, खालिद केल, आयन खान, मोहम्मद नदीम, मेहमान खान, शकील अहमद, कमिल्ला खान, बिलाल खान। अब बड़ी जबरदस्त यह टीम लगती है, लेकिन यहां पर बिलाल खान से बड़ी उम्मीदें होंगी, क्योंकि बिलाल खान ने टी20 वर्ल्ड कप के खेले 3 मुकाबलों में 7.18 की इकोनॉमी से गेंदबाजी की है और 3 विकेट लिए हैं। उन्होंने अब तक 78 मैच खेले वैसे ओवरऑल अगर देखा जाए, और उनमें 109 विकेट चटकाए हैं। तो कहीं ना कहीं जो गेंदबाजी की जो दारोमदार है वो बिलाल खान पर रहने वाला है, क्योंकि बिलाल खान अच्छी लेंथ पर गेंद करते हैं और बड़े बड़े बैट्समैनों को फंसाते भी हैं। तो ऐसे में बिलाल खान से बड़ी उम्मीदें होंगी कि विकेट चटकाएं, और ऊपर से अगर देखा जाए तो वहां से बैट्समैनों से बड़ी उम्मीद की जाएगी कि यार बैट्समैन रन बना के दे। छोटी टीम जरूर है, हल्की टीम है, लेकिन इंग्लैंड को चैलेंज दे सकती है ये। लेकिन ऐसे में दिलचस्प ही होगा भाई पिच कैसा रहने वाला है, जो सर विवियन रिचर्ड्स स्टेडियम का पिच वो क्या कहता है वो ही देख लेते हैं यार। ये मुकाबला सर विवियन रिचर्ड्स स्टेडियम में खेला जाएगा। इस स्टेडियम की पिच बल्लेबाजों के लिए काफी मददगार मानी गई है, खासकर टी20 फॉर्मेट में बल्लेबाजों को काफी फायदा पहुंचाने वाली हो सकती है। हो सकता है कि खेल आगे बढ़ने पर ये स्पिनरों को भी मदद कर दे। पहले बल्लेबाजी करने वाली टीम का एवरेज स्कोर अगर देखे 145 से 150 के आसपास का है। यहां टॉस जीतने वाली टीम पहले गेंदबाजी का फैसला कर सकती है। तो दोस्तों आपने जैसे देखा कि बैटिंग सरफेस विकेट होगा, और यहां पर रन बनाने के लिए बल्लेबाजों भी बेताब होंगे कि उनको रन बनाने चाहिए इस विकेट के ऊपर, लेकिन स्पिनर का रोल बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाएगा। और ऐसे में भाई आदिल रशीद के पास अपॉर्चुनिटी होगी कि विकेट चटकाएं, और देखा जाए तो 140-150 के आसपास का स्कोर एवरेज है, तो यहां पर 160 मैच विनिंग टोटल हो सकता है। लेकिन क्या इंग्लैंड के लिए इस करो या मरो वाले मुकाबले में भाई कहीं बारिश ना काम खराब कर दे, वेदर क्या कहता है वो भी देख लेते हैं यार। ये मैच 14 जून को रात 12 बजे शुरू होगा। मैच के समय आसमान में बादल छाए रहेंगे और 42% यानी कि 42% बारिश का अनुमान है। रात का टेम्परेचर अगर देखें तो 25 डिग्री के आसपास रह सकता है, और यहां पर देखा जाए तो पूरे फैंस उम्मीद करेंगे कि उनको दोनों टीमों के बीच पूरे 40 ओवर का एक्साइटिंग कॉन्टेस्ट देखने को मिले। यानी कि देखिए वेदर की जहां तक बात है कि बारिश खलल डाल सकती है, और अगर बारिश ने काम खराब किया
तो फिर इंग्लैंड के लिए दिक्कतें हो सकती है। इंग्लैंड का आगे जाने का जो सफर है वो कहीं ना कहीं कठिन हो सकता है, क्योंकि जो ग्रुप बी है उसमें ऑस्ट्रेलिया ने क्वालिफाई कर चुकी है। ऑस्ट्रेलिया की टीम, जैसे हमने आपको बताया, ग्रुप बी में ऑस्ट्रेलिया क्वालिफाई कर चुकी है। इसकी वजह से टॉप एट का केवल एक ही स्पॉट खाली है, एक जगह खाली है। वहीं स्कॉटलैंड 5 अंकों के साथ दूसरे स्थान पर है। इंग्लैंड का पिछला मैच स्कॉटलैंड के खिलाफ बारिश की वजह से रद्द हो गया था और उससे ऑस्ट्रेलिया से भी हार का सामना करना पड़ा। इसके कारण टीम 1 अंक के साथ चौथे स्थान पर है। इंग्लैंड को स्कॉटलैंड के बराबर अंक करने के लिए अपने दोनों मुकाबले हर हाल में जीतने होंगे। लेकिन इंग्लैंड के लिए भाई आज का मैच काफी इंपॉर्टेंट होगा। और अगर आप फैंटेसी के दीवाने हैं, भाई कैप्टन और वाइस कैप्टन किसे पिक करना है, तो मेरी तो ये राय है कि आप लियाम लिविंगस्टोन के साथ जा सकते हैं, क्योंकि वो थोड़ा बहुत बॉलिंग भी कर लेंगे, स्पिनर्स के अनुकूल विकेट होगा। और बैटिंग में मुझे ऐसा लगता है कि आज लियाम लिविंगस्टोन खूब रन बनाएंगे। इसके अलावा अगर दूसरी टीम से देखें तो बिलाल खान से मुझे बड़ी उम्मीद है, क्योंकि बिलाल खान पावर प्ले में गेंदबाजी करते हैं और अच्छा गेंद करते हैं। सो आई थिंक बिलाल खान और लियाम लिविंगस्टोन ये आपके कैप्टन वाइस कैप्टन की चॉइस हो सकते हैं। लेकिन इस मुकाबले में, करो या मरो वाले मुकाबले में, क्या इंग्लैंड की टीम बाजी मारेगी? और इंग्लैंड टीम अगर ये जीतती है तो फिर एक्साइटमेंट और बढ़ जाएगा इस ग्रुप में, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया को छोड़ दें तो स्कॉटलैंड और इंग्लैंड के बीच दिलचस्प टक्कर है कि कौन सी टीम सुपर एट में जाएगी। आप कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें, आपको क्या लगता है कि इंग्लैंड की टीम बाजी मारेगी या फिर ओमान एक बड़ा उलटफेर करेगी। अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें।